अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो हम देखें आज कहाँ आए हैं। आज हम अंतालिया शहर आए हैं घूमने के लिए। तो गर्मी है तो लोग फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या नाम से मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं अंतालिया शहर कैसा होता है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तुर्की आए तो एक बार अंतालिया ज़रूर आए, बस गर्मियों के दिनों में ना आए, मौसम ठंडा हो फिर आए। यहाँ तो बहुत ही गर्मी होती है, हद से ज़्यादा गर्मी है। ऐसे खूबसूरत पड़ा है, इंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। जैसे टूरिस्ट जो आते हैं वो तो गर्मियों में ही आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं गर्मियों में घूमने के लिए, मज़ा कैसे आता है। मैंने कहा मैं अंतालिया आई हूँ तो आप लोगों को अंतालिया शहर भी दिखाऊं कैसा है। तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ ये भी यूट्यूब पे, क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। आप देखो मैं सही से ऐसे बोलने लगी है ना, ये फव्वारा भी देखे, बड़ा मशहूर फव्वारा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत फव्वारा है ये भी। तो क्या नाम से बस ये टूरिस्ट ही ज़्यादा दिख रहे थे मुझे, आ जा रहे थे बस। तो क्या नाम से मैंने कहा हम भी ज़रा घूम लेते हैं बाहर की तरफ। ऐसे एक बार पहले भी आए थे हम, सही है, खूबसूरत है। हमारे स्पाटा से 2.5 घंटे की दूरी पे बस में अगर आप बैठो तो 2.5 घंटे में पहुंचा देते हैं। ये भी खूबसूरत है। हरी शहर का नाम क्या था? ये हम लोग टूरिस्ट प्लेस पे आए हुए हैं। तो आप जब भी अगर मिसाल के तौर पर अंतालिया आते हैं तो अंतालिया से दो तरीक़ाकार है इस जगह तक आने के लिए। एक आप ट्रेन पे भी आ सकते हो, ट्रेन से आओगे तो आपको उतरना पड़ेगा मुराद पाशा पे, जो कि एकदम मार्ग अंतालिया के पास उतारेगा। वहाँ से आप पूछो कि ओल्ड बाज़ार कहाँ है, तो बस सीधी के लिए जो आपको ओल्ड बाज़ार की तरफ ले जाती है। तो ये इस वक्त में हम लोग अंतालिया से मार्ग अंतालिया से इस वक्त हम लोग ओल्ड बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। तो ये तकरीबन ओल्ड बाज़ार ही है जो कि कई पुराना बाज़ार है अंतालिया का। और इसके बाद आप मज़ीद देख सकते हो यहाँ पर एक क्या नाम है ओल्ड बाज़ार भी है और एक इन लोगों का पुराना मस्जिद भी है, यिवली जामे जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा एक और वो है इनका हिस्ट्री से रिलेटेड एक है, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं। बहरहाल इस वक्त हम लोग वहीं जा रहे हैं, बाकी मैं भी बताएगी आपको इनके बारे में। हाँ तो ये बस हम घूम फिर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। पहले भी एक बार गए थे, उसने वीडियो नहीं बनाया था, हमने कहा चलो अभी दिखा दें। वो मस्जिद भी देखे सामने, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। तो क्या नाम से हर चीज़ यहाँ पुरानी है। ये है यहाँ का, ये रहा जिसके बारे में मैं बता रहा था वो ये जगह है, इसको मैं भूल गया इसको क्या इसकी हिस्ट्री क्या थी, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। और ये भी एक हिस्ट्री का एक दीवार है इनका, तो आप देख सकते हो इसके इसके बारे में भी। और इसकी तो क्या नाम से बस हम इधर उधर घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो वो पिछला वीडियो भी मैंने अंतालिया का डाला था, मैं तो कल भी मैंने एक वीडियो डाला था अंतालिया का, जो समुद्र के किनारे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे मैं भूल गई थी कि कितने घंटे का रास्ता है क्या है। तो अभी मैंने कहा चलो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी, बोलती भी जाऊंगी। ये बैठने की जगह भी थी बहुत सारी, मगर धूप इतनी थी तो कोई भी बैठ नहीं रहा था, तपिश इतनी थी तो इसलिए कोई भी नहीं था। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, कितना बड़ा। अभी काम चल रहा है तो इन्होंने देखो ऊपर से तरपाल डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ जब कोई काम करते हैं तो तरपाल डाल देते हैं, तो बस पूरा तैयार हो जाता है तो खोल देते हैं, खूबसूरत नज़ारा देखो बोल के। क्या नाम से अभी वहाँ काम चल रहा था इसलिए सब कुछ बंद किया हुआ था। तो ये देखे पुराना बाज़ार कैसे सीधा नीचे जा रहा है, रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लाइटें जल रही होती है, ऐसे झिलमिल हो रहा होता है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो दिन में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं देख भी रही हूँ तो ये देखे बाज़ार है, पूरा बाज़ार है, धूप ज़्यादा है इसलिए लोगों ने छतरी भी लगाई हुई है।
तो ये एकदम ना ऐसे पहाड़ के ऊपर से ऐसा लगता है जैसे नीचे जा रहे हो सीधे सीधे। एक बार तुर्की आओ तो एक बार अंतालिया भी ज़रूर देखे, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का नज़ारा भी, यहाँ की जगह भी बहुत खूबसूरत है। बहुत पुरानी पुरानी बाज़ार है, सब कुछ बहुत पुराना है, जैसे नया तामीर कुछ भी नहीं हुआ, खूबसूरती सारी वही पुराने मस्जिद पुराने बाज़ार, जैसे हर चीज़ पुराना अभी तक चल रहा है माशाल्लाह से, हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे नई है अभी है। और ये इफ्लिस जामे जो यहाँ का मशहूर तरीन मस्जिद है, और ये मेरे ख्याल से अंतालिया का पहला मस्जिद था या क्या था, मैं इसकी हिस्ट्री भूल गया। तो इफ्लिस जामे हमेशा जब भी आप आओगे इफ्लिस जामे के डेस्टिनेशन पे आना, यहाँ से एक ही रास्ता है जो सीधे सीधे नीचे आप फॉलो करोगे इसको तो आपको ये सीधे बीच की तरफ ले जाएगा। तो इस वक्त हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। ये देखें कितनी जगह खाली है, पूरी खाली है। ये रात को शाम को इतना रश होता है यहाँ पे, चलने की जगह नहीं होती। हम दोपहर को निकले इसलिए मैं आसानी से वीडियो बना पा रही थी, आसानी से आप लोगों को ये पूरा बाज़ार दिखा पा रही हूँ, वरना कोई भी जगह नहीं होती ज़रा। क्योंकि वो यहाँ से वहाँ तक भी जाओ इतना रश होता है, इतना टाइम लगता है। अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी है, सबको पता है गर्मी, इसलिए पूरा देखे पूरा बाज़ार खाली खाली सा लग रहा है, सन्नाटा लग रहा है कि कोई नहीं है। वो जिनके दुकान जो दुकानदार है वो तक एसी में बैठे हुए हैं, बस इक्का दुक्का लोग आए। ये देख ये भी टूरिस्ट लोग हैं, बस यहाँ घूम रहे, बस टहल रहे। गर्मियों में बहुत गर्मी और उनको तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और इस साल तो तुर्की में ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी हुई, किसी साल इतनी गर्मी नहीं हुई जितने इस साल हुई है गर्मी ज़्यादा। तो इसलिए देखें पूरा खाली, आप लोग आराम से इंजॉय करके देख सकते हैं, सारी दुकानें खाली है। आज के मैं रात को भी आप लोगों को दिखा सकती कि कितना रौनक होता है, क्या है। किसी दिन जाऊंगी तो दिखाऊंगी कि रात को देखें आप लोग कितना रश होता है, कितनी रौनक होती है। ये जगह फुल कभी भी दिखाई नहीं देती। कुत्ते को देखो, कुत्ते को भी गर्मी लग रही है, वो भी छांव देख के लेटा हुआ। ये ड्रेसें हैं इनकी देखो गर्मियों के, तो ये पुतले में वो पुतले खड़े किए हुए कपड़े पहना के, इनको गर्मियों के भी पुतलों को भी गर्मी लग रही होगी शायद, ऐसा हाल है। तो इन्जॉय किया, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, इनमें कोई भी नया बाज़ार नहीं था, सब पुराने बाज़ार थे, सब पुराना बाज़ार है, बहुत मशहूर बाज़ार है। तो ये पता नहीं आखिर कहाँ तक है, मैं इतनी बार गई मैंने कभी पूरा बाज़ार नहीं देखा, पूरा मैंने घूमी नहीं, पता नहीं ये कहाँ तक है क्या है। ये टूरिस्ट लोगों का देखो एक ग्रुप भी आया था, वो पूरे ग्रुप ग्रुप आते हैं ये लोग, जैसे वो साथ साथ घूमते हैं। तो मैं उनसे जगह बना के जा रही थी, वीडियो बना रही थी, वो रास्ता भी ढूंढ गया था, तो बहुत मुश्किल से वहाँ से गुजरे। तो मैंने कहा चलो आगे भी देखती हूँ क्या है। वो कभी मैं पूरा घूम ही नहीं पाती कि मैं बताऊँ पूरा घूम के कि आप लोगों को कैसा लगता है क्या है। तो देखो अभी मैं सही बात करने लगी हूँ ना, ज़रा सीख रही हूँ ऐसा ऐसा, मुझे पता है। अभी भी मैं सही से आप लोगों को समझा नहीं पा रही, दिखा नहीं पा रही हूँ, सही से बोल नहीं पा रही। ऐसे चीज़ें मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही है, पर मैं आप लोगों को सही से हर चीज़ के बारे में समझा नहीं पा रही हूँ कि क्या है कैसा है। ये ना एक महल था, बड़ा सा किसी बादशाह का महल था, बस इन्होंने ना महल में ही ना जैसे कुछ दुकानें बाहर हैं इनकी और कुछ ना ये महल के हिस्से में। ये देखे आगे वो महल का हिस्सा आ रहा है ना, वो सारा एक महल, पूरे महल में ना इन्होंने पूरे महल में ना बस इन्होंने ना दुकानें खोल दी है, पूरा बाज़ार बना लिया है, बस पूरे महल को अंदर से इन्होंने पूरा बाज़ार बना दिया है। कितना बड़ा महल था ये, जो मैंने क्या नाम से पूरा दिन भी घूमी हूँ, सुबह दोपहर से शाम हो गई थी, पूरा नहीं घूमी थी, और भी जगह रह गई थी। तो हम महल के वो गेट से निकल के बस ये समंदर के किनारे आ गए हैं। तो ये देखिए ये मेन पॉइंट है, समंदर का किनारा, बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी यहाँ खड़ी होती है, और क्या नाम से आप लोगों को घुमाने भी ले जा सकते हैं, जैसे आपको पूरा अंतालिया का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये महल था, देखे ये महल की वो राजा, ये क्या था जो दिखा रहा था,
कौन सा? ये जो अभी तो दिखा रहा था वो ऊपर, क्या नाम है, लोग ऊपर लिफ्ट से भी जा सकते हैं ना, तो वो एक वो भी था। और उसके अलावा मैं तो अभी नीचे आया है ना रोड से हम लोग, तो अगर है ना ऊपर जाना है तो आप ऊपर भी जा सकते हो, वो लिफ्ट लगा हुआ था। और इसके अलावा ये देख लो, ये कश्तियाँ सारी खड़ी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी कश्तियाँ। आप लोगों को अगर जाना चाहे तो वो पूरा समंदर का नज़ारा, पूरा अंतालिया का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते। मैं खैर बैठी नहीं था, टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमें दिन ही दिन में वापस आना था, तो इसलिए मैं बैठी नहीं। तो हम ऐसे ही आ गए थे, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा दूं ये खूबसूरत नज़ारा भी है कश्तियों का। और क्या नाम से, गर्मी तो बस गर्मी थी, बस इतनी गर्मी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी ये घूम रहे थे हम। ये महल का ना बाहर का हिस्सा है, जैसे बाहर के हिस्से में वो जैसे महल ख़त्म हो जाए ना, ये समंदर ही आ जाता है, बस समंदर का किनारा आ जाता है, वहीं पे ये सारी कश्तियाँ हैं। जैसे लाइन से आप जिसमें भी बैठ जाओ, अलग से वो देखे कश्तियों के ऊपर अलग अलग जैसे पुतले बनाए हैं, अलग अलग डिज़ाइनों के पुतले बने हुए थे। तो वो क्या नाम से, बस वो जिसको जो अच्छा लगे वो जा रहा था। ये ऐसे नहर का बना हुआ था, अरे ये क्या है इसने? अच्छा ये चश्मा है ठंडे पानी का चश्मा, तो आप जब भी इस पे पैर रखिए अपना, हमेशा आपको ठंडा ठंडक ही महसूस होगा और बिल्कुल आपका थकावट वगैरह सब कुछ खत्म कर देगा। हाँ, जैसे एकदम ठंडा पानी था, लोगों को मैंने देखा था, लोग बैठे हुए होते थे, मैंने वीडियो नहीं बनाई लोगों की, मैंने कहा इतराज़ करेंगे, इसलिए जैसे ठंडे पानी में बैठ जाते पैर बोला ठंडा करने के लिए, गर्मी ज़रा कम लगती है। तो बस ये देखे अलग अलग कश्तियाँ, हर तरह के जैसे बनाए हुए थे उन्होंने कश्तियाँ, हर किसी ने अपना अलग अलग ही कश्तियाँ बनाई हुई थी, छोटी किसी ने छोटी बनाई हुई थी, किसी ने बड़ी बनाई हुई थी। बस गाने फुल चल रहे होते हैं, बस आप लोग इंजॉय करें, जाए घूमे फिरे, अंदर चाय भी मिलती है, कावा, खैर कावा मिलता है ना इनका, तो कावा चलता है। ये देखें महल का बाहर का नज़ारा था पीछे से, तो ये जैसे अंदर पूरा महल है, तो ये देखें समुंदर का पानी कितना खूबसूरत है। यहाँ ना छोटी छोटी मछलियाँ भी थी, जैसे एकदम छोटी छोटी मछलियाँ किनारे पे होती है पास से, और आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, पानी कितना साफ था, नहीं रहते यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, खड़े थे तो जितना साफ नज़र आ रहा था, यहाँ तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। जैसे छोटी छोटी होती है बिल्कुल, वो एकदम घूम रही होती है, ऐसे कोई पकड़ते नहीं है, जैसे इस्तांबुल में पकड़ने के लिए बैठ जाते हैं ना, यहाँ नहीं था, यहाँ बस वो मज़े से इंजॉय करती है, घूमती है, तो ऐसा था। तो ये देखे ये अलग डिज़ाइन की कश्ती है बड़ी सी, और ये लोग अभी अभी आए हैं बिल्कुल। हाँ, आप देख सकते हैं इन लोगों का टूर पूरा हो गया है, तो ये लोग बस अभी निकलने की तैयारी पे हैं। ये रहे वो लोग, ये घूम फिर के आ गए हैं। हम भी अगली बार अगर खैर से गए, मेरे चैनल ने जरा ग्रो किया, तो मैं वापस जाऊंगी, वापस तफसील से दिखाऊंगी आप लोगों को। अरे जरा अनकट वीडियो बनाऊंगी यार, हम रुक जाते, अच्छा था टूरिज्म निकल रहे वो भी दिखा देते, मगर वो जल्दबाजी में जा रहे थे जल्दी जल्दी, तो इसलिए सही से आप लोगों को दिखा भी नहीं पा रही थी। तो क्या नाम से वो देखो, बिना कमीज के बेचारा जा रहा है, हाथ हिला रहा है हमको, वो हाथा जा रहा था, हम वीडियो बना रहे हैं, फिर भी मैं लगी हुई थी, मैंने कहा थोड़ी सी तो वीडियो बन जाए। ये देखो महल का दीवार है, बड़ी दीवार ही है, और वो दीवार भी अभी की नहीं है, वही पुराने ज़माने की थी। तो बादशाह ने भी बड़ा इंजॉय किया, पता नहीं कौन से सन का था बादशाह, वो हिस्ट्री देखो तो पता चले। और ये देखे ऊपर का पॉइंट, जो ये ऊपर जाओ पूरा समंदर दिखता है, जैसे पूरा नज़ारा दिखता है। हम कश्ती में बैठते शायद तो और भी नज़ारे हमको खूबसूरत खूबसूरत दिखाई देती। ये देखे ये सीढ़ियाँ हैं, अभी हम लोग बीच पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर अक्सर ये जो यूरोपियंस वगैरह आते हैं तो ये लोग वहाँ रेस्ट करते हैं, तो पल्ला साइड कश्ती वालों का है। और ये ऊपर इन लोगों ने एक होटल बनाया हुआ और नीचे रिजॉर्ट टाइप की जगह दी हुई, ये देखो यहाँ ज्यादातर लोग लेटे हुए अपना, वो देखा ना वो पूरा महल है, जैसे ये पूरा महल इतना बड़ा, ये पता नहीं कितना बड़ा था महल, तो ये पूरा महल दिखा नजर आता सामने से, यहाँ खड़े हो जाओ तो ऐसे मुझे फिर ऊँचा ऐसे घबराहट होती है, तो इस यहाँ मुझे घबराहट सी हो रही थी, ऊँची जगह थी। तो ये देखें ये पूरा नज़ारा है,
और क्या नाम से ये काम खड़े थे ये हो? अभी हम लोग वही जो लिफ्ट दिखाया था लिफ्ट से ऊपर आने के बाद की ये वीडियो है। असल में इसको चौड़ाई पे नहीं बना पाए तो इसको लंबाई पे बनाए थे, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा छोटा आ रहा है ये। तो ये ऊपर जाके वो ऊपर का नज़ारा, ये टूरिस्ट है सारे, तो ये कहाँ चले ये अब है? हम लोग वापस पीछे आ गए हैं, तो अब हम लोग वापस मुराद पाशा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये एक इंग्लिश फिल्म था जॉन सनातम की, जो फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आया हुआ है गंजा, तो उसका एक फिल्म था, तो उस फिल्म की जो है शूटिंग इस जगह में हुई थी। कभी मैं उसका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा, तो वो शूटिंग इसी जगह पे हुई थी, जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं वो शूटिंग इसी जगह पे हुई थी। और इस वक्त हम लोग यहाँ को क्रॉस करते हुए वापस निकल रहे हैं, तो अभी आप देखोगे यहाँ से फिर से हमको इबलीस जामे नज़र आएगा सामने का, और पतला मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है आपको सामने से। तो और भी बहुत सारी जगहें थी, बस हम थोड़े से दिन ही दिन में वापस आ गए थे, इसलिए और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें थी, बस हम जल्दी जल्दी में आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो कुछ मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, याद से ज़रूर मेरी वीडियो पूरी पूरी देखा करें। वो क्या नाम से इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो ये भी ये क्या बना हुआ था, ये पुतले है ना इन लोगों का, वो किसी वॉरियर का इन लोगों का। हाँ, हमको पास जाना चाहिए था, हम जरा पास भी नहीं गए, बस भाग रहे थे हम लोग, असल में पूरा हो जाए। असल में यहाँ पर इस वक्त जून जुलाई अगस्त अंतालिया ऐसे है जैसे समझ लो आग है, और इस साल तो पता नहीं क्या हुआ कि तुर्की पे इतनी गर्मी जिसकी कोई हद नहीं, और हत्ता कि हम लोग इस ये वीडियो बनाते हुए तकरीबन मुश्किल से हम लोग को एक घंटा ही हुआ था, ये थोड़ा क्लिप वगैरह कट हो जाता है, तो थोड़ा हम लोग बीच में वक्फा भी लेते हैं। तो असल में हकीकत मानो तो ये जो जितना भी रास्ता था हम लोगों ने एक घंटे पे ख़त्म किया है, और इस एक घंटे में मुझे नहीं याद कि मेरी कमीज़ ख़ास करके सूखी भी है, हत्ता कि इतनी गर्मी के बावजूद इतना पसीना जिसकी हद नहीं, और ऊपर से हम लोगों को निकलना भी था घर के लिए, तो बस हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना हम लोग जल्दी चल सके और जितना जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो बना सके, और अब बस हम लोग वही चीज़ कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो इतनी ख़राब नहीं आई है, ना ही ज़्यादा फास्ट मोशन में है, तो वीडियो नॉर्मल भी है। हाँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, पसंद आ रहा होगा, और हाँ, आप लोग एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को। हाँ, बस वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए हुए, उम्मीद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन सी जगह कहाँ पे है। अगली बार जाऊँगी ना, वो भी तफसील से आराम से बनाऊंगी, और क्या नाम से दो तीन दिन के लिए चले जाएंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो देखिए ताकि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो, तो मेरी बहन जो है 1 TB का हार्ड ड्राइव ले, अभी उसके फ़ोन में 128 GB का स्पेस है, तो 128 GB पे आपको पता है कि वीडियो खास करके आप सेव नहीं कर सकते, अगर 4K भी बनाओ तो कम से कम 1 मिनट की वीडियो बनाओगे आप या एक से कम, तो वो 1.5 से 2 GB की स्पेस लेता है, तो हमेशा यहाँ एक स्पेस का मसला होता है। तो हम आप के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, ये भी इन लोगों का हिस्ट्रिकल प्लेस है, तो अब हम आप पर सब कुछ छोड़ देते हैं कि बस आप लोग हमारी कुछ स्टार्ट करवा दे अर्निंग, तो हम जो है फिर USB वगैरह ले लें। कंप्यूटर की तो खैर हमको ज़रूरत नहीं है, हम प्रोफेशनल एडिटर नहीं है, बस हमको USB चाहिए 1 TB का, और बाकी घूमने फिरने का जो हमारा थोड़ा एक्सपेंसिस है वो कवर हो जाए बस। वो देखिए मस्जिद भी कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा था, मैं तो बस खूबसूरती देख रही थी, ज़रा शाम में होती ना, रात में ये सारी जगहें बड़ी खूबसूरत होती है, दुकानें भी देर तक खुली रहती है, वरना अमूमन तो आम इलाकों में दुकानें वगैरह शॉप जल्दी बंद हो जाती है, मगर ये लोग बंद नहीं करते, रात देर तक रहते हैं। वो गुब्बारे वाला देखे, गुब्बारे बेच रहा है, और ये फिर छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ों के लिए जगहें बनाई हैं, इनके खाने बहुत फीके होते हैं, बहुत ज़्यादा फीके होते हैं, खैर मुझे तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते तुर्की के खाने, बस एक शोरमा ही डोनट वो अच्छा लगता है बस, बाकी कोई भी चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, कोई ख़ास नहीं होती,
बिना मसाले के बिल्कुल सादे सादे डबल रोटियों के साथ खाते हैं, जैसे हमारे इंडियन पाकिस्तानी बाकी जो मुल्क हैं उनके से हमारे तो फुल मसाले में होते हैं, मिर्ची तेल बाकी मसाले इनके बिल्कुल सादे फीके ऐसे खाने होते हैं, तो मुझे तो खास पसंद नहीं आता। पर जगह खूबसूरत है, जगह तुम देखो और तुम्हारा पेट भरे, ऐसी जगह होती है बस। तो अभी फिलहाल हम वही बाज़ार में घूम रहे थे, तो हमने कहा पूरा बाज़ार घूमे। ऐसे पहले भी एक बार गई, खैर उस वक्त वीडियो नहीं बनाती थी इसलिए ऐसे काम से गए थे, तो जल्दी जाके जल्दी वापस आ गए थे। तो अभी हमने बोला चलो नज़दीकी है, 2.5 घंटे का रास्ता है, बस में बैठो, बस में आओ, बस दिन ही दिन में हम आ सकते हैं ऐसा है। तो हम दिन ही दिन में चले गए, हमने कहा चलो हम थोड़ा सा आप लोगों को अंतालिया भी दिखा देंगे, अंतालिया का बाज़ार भी दिखा देंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो कैसा लगा ज़रूर बता देना, कुछ गलत भी हुआ तब भी ज़रूर कमेंट में बता देना, क्योंकि अभी तो नई नई कर रही हूँ, इतनी समझ तो आ ही नहीं रही है, क्या बोलूँ क्या करना है कैसे करना है ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे मैं दूसरों की वीडियो भी देखती हूँ क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा कुछ सीख रही हूँ कि कहाँ क्या बोलना है। तो ऐसे मैं बस बना रही हूँ, अभी भी मुझे पता है बहुत सारी गलतियाँ कर रही होंगी, तो आप लोग इग्नोर करें और वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, सही है। तो बस अभी ये पूरा एक जैसी बटपटी है, जैसे डोनर वाले हैं, बुट्टे वाले हैं, जूस वाले हैं, कौन आइसक्रीम वाले हैं, ऐसी जगह पर सीधे सीधे चल कर जैसे महल से निकले, अब हम सीधे सीधे जा रहे हैं जैसे बस स्टॉप की तरफ को हम जा रहे हैं। बस अभी जाने का निकलने का सोच रहे हैं, शाम हो रही है, तो बस हमने कहा चलो निकलते हैं, फिर घर भी पहुंचना है, फिर रात हो जाएगी बोल के अब हम वापस जा रहे हैं। जैसे यही बस एक पॉइंट इलाका है जहाँ सारे टूरिस्ट यहीं पे होते हैं, यही मेन शहर है इनका, जैसे अंतालिया का ये मेन शहर है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा होते हैं। इस बार तो मैंने जैसे अरबी लोगों को ज़्यादा देखा, तो ये आइसक्रीम वाला है, देखे आइसक्रीम बेच रहा है, तो वो बच्चा जिद कर रहा था, तो ये लोग आइसक्रीम लेके दे रहे थे, जैसे वो मस्तियाँ करते हैं ना आइसक्रीम वाले, यहाँ वो बेचारा इतना नहीं कर रहा था छोटा बच्चा, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी में उसके साथ थोड़ी देर मस्ती किया, फिर वो बच्चा तंग हो रहा था तो उसको शराबत से दे दिया। वहाँ भी वो लगा वहाँ वो चढ़ रहा था बच्चा, मैंने देखा वो बच्चा ना ज़रा चढ़ रहा था, उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था, वो गुस्से से चला गया, वो देखो गुस्से से जा रहा था, फिर इसने ना दे दिया उसको, ज़्यादा तंग नहीं किया क्योंकि वो भी देख रहा था कि बच्चा ज़्यादा चिढ़ रहा था, तो इसलिए। तो बस फिर हम वहाँ से आगे निकल गए, तो आगे जाने लगे, बस हम जल्दी जल्दी जा रहे थे कि हमारी बस ना निकल जाए, बस स्टॉप की तरफ हम जा रहे थे, तो सीधा सीधा ही रोड होता, ज़्यादा टर्न लेना नहीं पड़ता, बस एक ट्रेन है वहाँ से जाते, तो जो भी अंतालिया आएगा बस मेन जगह इनकी यही होती है, यही बाज़ार होता है, बस वो महल के अंदर ज़रा छल होता है मगर मुश्किल होता है, बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पता नहीं वो कितना बड़ा महल है, कभी फिर दोबारा जाऊंगी तो पूरा उसको इंशाल्लाह घूम के देखूंगी कैसा है। दो बार गई हूँ अभी तक, इतना पूरा नहीं घूमी, बस ऊंचा नीचा बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, हर दो कदम पर बस सीढ़ियाँ हैं, आप लोग बस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक जाओगे ऐसा है। ऊपर बड़ा सा होटल भी बना हुआ है, हम होटल में भी नहीं गए, वरना मैं होटल की भी वीडियो बना लेती, बस महल के अंदर ना वो दुकानें खोली हुई हैं सब ने अपने अपने, बस वो बादशाहों के महल जो था ना उस पर बस छोटे छोटे जो कमरे थे उनमें बस सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई थी, तो ऐसा था वो पूरा महल समझ लो एक बाज़ार ही था। तो यहाँ पर जो जगह बनी है जो थक जाए वो बैठ जाते हैं, तो ऐसा था। तो वो क्या नाम से बड़ी बड़ी वो शोपीस भी लगाए हुए थे, तो ये चीज़ लोग आते हैं तो यहाँ से बस जिसको जो चाहिए मिठाइयाँ, जैसे बकलावा इनकी अपनी मिठाई जो होती है, वो तरह तरह के नाम की इनकी अपनी मिठाइयाँ होती है, उनके शौक थे ये सारे मिठाइयों की, तो वो मिठाई भी खरीदते लोग,
इनकी मिठाई बहुत मीठी होती है, जैसे हमारे बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद, जो जो मुझे पसंद है उन्हीं के नाम ले रही हूँ मैं, तो वैसे मीठे नहीं है, तो हद से ज़्यादा मीठे बस काजू बादाम अखरोट ये भरा हुआ होता है इनकी मिठाइयों में, मगर मीठा बहुत खाते हैं ये लोग। बस इनको दो ही चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, या तो खट्टा ज़्यादा या तो मीठा ज़्यादा, बस दोनों तरफ उनका ज़्यादा ही होता है। तो बस हम अब बाज़ार की तरफ से बाहर निकल गए हैं, वो सामने मस्जिद भी वापस दिख रहा है, जाते वक्त भी दिखा था, आते वक्त भी दिखा था, तो अभी हम देखो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं हम। बस वो जल्दी जल्दी में हम जा रहे थे कि हमारी बस ना निकल जाए। तो क्या नाम से, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना सही है, पता है बहुत सारी फिर से बोल रही हूँ गलतियाँ हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखा करें। और वो जो आपको सामने सीधे सीधे बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ये मेन मुराद पाशा है, जिसके बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को कि आप उदगार से भी यहाँ आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है क्या नाम है आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं इस जगह पे, यानी ट्रेन पकड़ के। तो ये है मेन मुराद पाशा। आपको होटल्स वगैरह चाहिए, मार्क अंतारिया जो इनके शॉपिंग मॉल है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, तो ये सब यहीं पे है। तो ये इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मेन मुराद पाशा की तरफ, और वो जो आपको रंग बिरंगा बिल्डिंग नज़र आ रहा है उसको कहते हैं मार्क अंतारिया। और मार्क अंतारिया का पहले का जो गली आती वो ये है, और ये है इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये रहा, ये यहाँ से हम लोग इंटर लेंगे अभी अपना। तो ये रहा, मैं अभी कार्ड पंच कर रहा हूँ, तो ये रहा, ये कार्ड पंच हो गया और अब हम सीधे जा रहे हैं। ये अब हम लोग इंटर हो गए हैं स्टेशन के अंदर, अभी हम लोग वेट करेंगे कि ट्रेन आए, तो ट्रेन पे बस हम लोग सीधा ओतोगार निकल जाएंगे। और ये देख सकते हो आप, ये है मार्क अंतारिया। तो मुराद पाशा पे आपको जो ट्रेन पे स्टेशन पे उतारेगा वहाँ पर आपको सीधे सीधे ये नज़र आ जाएगा रंग बिरंगा बिल्डिंग, जिसको मार्क अंतारिया कहते हैं। और होटल सब आपको यहीं पे मिलेंगे, टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं वो सब यहीं पे मिलेंगे। ये देखे बस फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है, ट्रेन खड़ी हो चुकी है, अब हम जाने की तैयारी में बस जल्दी जल्दी बैठ रहे अपना अंतालिया का ट्रिप इख्तिताम करने। अपना अंतालिया का ट्रिप बस ख़त्म हो रहा है, अगली बार फिर से इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। देखे कि तरह से शाम का टाइम है ना, बड़ा रश होता है, ट्रेन में बैठने की जगह भी नहीं होती है। ये हम बस सब्जी मार्केट लगा हुआ है, अब हम बस जाने की तैयारी में, बस हम बस में बैठ गए, बस अब हम अपने स्पार्टा शहर जा रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, हमेशा खुश रहे सलामत रहे, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, खुश रहे हम।